नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जायका विद सीमा में। आज मैं आप लोगों के बीच बनाने जा रही हूँ पाव भाजी, जिसे सभी वर्ग के लोग काफ़ी पसंद करते हैं। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं पाव भाजी। पाव भाजी बनाने के लिए हमें जिन सामग्रियों की ज़रूरत है वो इस तरह से है। कटे हुए प्याज, कटे हुए टमाटर, कटे हुए शिमला मिर्च, मटर छेमी, फूलगोभी जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, दो उबले हुए आलू जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, गाजर इसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, लहसुन और हरे मिर्चे की पेस्ट, पेस्ट ये थोड़ी बारीक है, और धनिया पत्ता, पाव भाजी मसाला, नमक, कलर के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ली है, और घी, इसके जगह आप सरसों का तेल, ऑयल, रिफाइंड कोई भी चीज़ ले सकते हैं। मैं यहाँ पे घी ली हूँ। तो चलिए बनाते हैं पाव भाजी। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें लहसुन और हरे मिर्चे का पेस्ट में डाल देते हैं। इसे हल्का भून लेती हूँ। यहाँ पे लहसुन का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, अब यहाँ पे हम प्याज डालते हैं। शिमला मिर्च, फूलगोभी जिसे मैंने कद्दूकस किया है कर लिया था, गाजर, टमाटर, और इसे मैं मिला लेती हूँ। मैं नमक डाल रही हूँ एक चम्मच के आसपास, एक चम्मच मैं फिर बाद में डालूंगी। यहाँ पे मैं एक से दो मिनट के लिए इसे सिर्फ ढक देती हूँ। दो से तीन मिनट के बाद इसे हम कुछ चला देते हैं। अब इसमें बाकी सारी बची हुई सब्जियां मिला देंगे, उबले हुए आलू, मटर, सारी सब्जियों का कलर कितना अच्छा लग रहा है देखने में। एक चम्मच नमक मैंने पहले डाला था, एक चम्मच नमक मैं और डाल रही हूँ। नमक आप अपने अनुसार कम बेसी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँ, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। ये डालना ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। और पाव भाजी मसाला चार बड़े चम्मच, इसे मैं मिला देती हूँ। बीच बीच में चम्मच से इस तरह से आप इसको दबाते जाइए ताकि सब सब्जी आपस में मिल जाए। ये सारे मसाले अच्छी तरह से इसमें मिल चुके हैं। अब इसे करीब आधा से एक मिनट के लिए मैं इसे ढक देती हूँ मध्यम आंच करके।
ये मैं इसे अब हटा देती हूँ। यहाँ पे देखिए काफ़ी हो गया है। अब यहाँ पे मैं धनिया पत्ता डाल देती हूँ, इसी के साथ इसमें पानी भी डाल देती हूँ। पाँच से दस मिनट के लिए ढक देती हूँ मीडियम आंच करके। चलिए हमारा पाव भाजी यहाँ पे ये देखिए इस तरह से इस ये देखिए कितना अच्छा दिखने में लग रहा है। और ये हो चुका है, इसे हम गैस बंद कर देते हैं और इसे सर्व करते हैं। ये हमारा पाव भाजी तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइए और बना के मुझे कमेंट कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।